आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी ब्लैंक शीट है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिख के रखा है। तो बेसिकली मैं वीडियो बनाने लाया क्यों हूँ ये वाला, इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पार्ट लिया था, मैं उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि उसको मैंने आराम से बहुत सारी वीडियो पार्ट में कवर करके रखा है और हम अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए। लेकिन जो मैं आपसे बातें बताने जा रहा हूँ, आप मेरी ध्यान से थोड़ी बातें सुनिएगा क्योंकि आज पढ़ाई की ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि आज वो बात है नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वो सुनिए। ठीक है, बेसिक बात ये निकल कर आती है यार कि बच्चे पूछते हैं बहुत ज़्यादा मेरे से कि सर आप वो वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो जैसे बहुत सारे टीचर बनाते हैं। जैसे लिख देंगे पॉइंट वन, इस पर लिखेंगे कैसे टॉप करें, टॉप करें हम यहाँ पर टॉप करने का पूछते हैं। भाई टॉप कैसे करें, पढ़ के पढ़ोगे कैसे वो तो मैं बताऊँगा तुम्हें कि तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है। देखो क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हें ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए बना रहा हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने वीडियो देख लिया तो तुम्हें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगा क्योंकि सबको पता है, हम सबको पता है कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। जाहिर सी बात है, आपको लगता होगा कि आप दुनिया की सारी चीज़ें जानते हैं, मेरे को लगता होगा मैं सारी चीज़ें जानता, लेकिन दरअसल में सारी चीज़ें सबको ही कुछ कुछ कोई नहीं जानता। बात यह है कि सबको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, लेकिन जिस दिन आप ये समझ लोगे कि सबको कुछ ना कुछ पता है और मेरे को मेरा फ़ायदा इसी में है कि सामने वाले को जो पता है उससे मैं जान लूँ तो मेरा फ़ायदा उसी में रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग भी मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना और थोड़े हवा में उड़ाने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि कैसे चीज़ एग्ज़ाम तुमको क्वालिफाई करना है कुल मिलाकर। तो बात यह है मेरी कहने की कि बेसिकली हम जब तैयारी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तो अपने मोटिव्स क्लियर होने चाहिए कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं। देखो एक तो होता है कि यार कोई ना कोई एग्ज़ाम की तो करनी है, तो इससे अच्छी पॉलिटेक्निक के कर लो, इससे हम ग्रेजुएशन मतलब उसके बाद 12th के बाद या 10th के बाद हम ये वाला एग्ज़ाम दे देंगे। एक तरीका तो यहाँ से होता है। अब इससे कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए तो तुम ही जानते हो क्योंकि कहने को ये 10-12 बेसिस पर आता है, लेकिन तुमको कोई पता होना चाहिए कि आजकल जो 10-12 के बेसिस के एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी कितने कठिन हो गए हैं। बेसिकली तुम अगर तुम्हें एक बात बताओ, मैं तुमको बता दूँ, एक पेपर हुआ था एक MTS का, SSC में MTS होता है। MTS बेसिकली नाम से तो SSC और MTS नाम से बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये SSC का कोई पेपर है, बहुत अच्छा होगा। MTS का फुल फॉर्म बताऊँ मैं तुमको, MTS होता है मल्टी टास्किंग सर्विस। और ये कोई मल्टी टास्किंग सर्विस ऐसा नहीं है एक बार में तुमसे दो काम करवाना। बेसिकली ये पता है किस चीज़ के लिए होता है, जो आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पर जो मैं वर्ड यूज़ मेरे को पता नहीं अच्छा वर्ड क्या होता है, लेकिन जो प्यून होता है एक तरीके से, जो बेसिकली क्लर्क से भी नीचे होता है, प्यून के थोड़ा सा ऊपर होता, जो बेसिकली मतलब झाड़ू मारने का काम नहीं करता लेकिन वो उससे भी उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं होता वो एक तरीके से, तो उसके बीच की जो पोस्ट है ना बेसिकली वो है। तो तुम देख रहे हो कि इसका जो लेवल था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं यही बता रहा हूँ तुमको कि इसके एग्ज़ाम में MTS में जिसमें 12th मांगी थी उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए ना, लिटरली ऐसे ऐसे जो लेवल UPSC IAS के लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि बोलते हैं सिर्फ 12th बेस्ड, इसके बेस्ड में कुछ भी आ सकता है। 10th में 5th में तुम लोगों ने ABCD पढ़ ली थी, 5th में तुम लोगों ने 1-2-3 पढ़ लिया था, अगर मैं बोलूँ 5th बेस्ड तो उन लोग ये समझेंगे कि आपको ABCD और 1-2-3 आती है तो मैं आपसे नंबर सिस्टम से लेके पूरी मैथ की दुनिया भर की मैथ पूछ सकता हूँ क्योंकि दुनिया भर की मैथ जो है वो इसी काम पे चलती है, या तो ABCD यहाँ पे XYZ होगा या तो हमारे एंगल्स होंगे, एंगल्स पढ़ लेते हैं वहाँ पर आके, ट्राइंगल वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, या तो हमारे साइड्स वगैरह का कुछ होगा, नहीं तो हमारे नंबर से काम होगा। तो बेसिकली आप ये समझ के चलिए कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो बहुत 10th लेवल का आने हैं तो इतना तो हमने पढ़ ही लिया यार, अभी तो हम 12th में हैं, अभी तो हम 11th में हैं, अभी तो हम 10th दे के ही आ रहे हैं तो हम आराम से कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें मत सोचिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, मैं क्योंकि मैं 3 वीडियो लगातार आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ें समझाता रहूँ, मैं इसमें यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको माइंडसेट क्या रखना है आपके लिए एग्ज़ाम अपने एग्ज़ाम के लिए। एक सेकेंड, तो बेसिकली क्या होता है ना कि सबसे पहले हमको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मैं तुमको ये बताने वाला हूँ, थोड़ा मेरे कुछ क्या हुई तो पानी पी रहा था मैं। तो बेसिकली हमको अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम लोग के मोटिव्स क्या हैं। अब तुम ये सोचोगे ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर जो मेरा नंबर जाता है यानी स्कोर जाता है वो करीब
कितने जाता है, 280 जाता है अप्रोक्स, अगर तुमको क्वालिफाई करना है अपनी सबसे हाईएस्ट लेवल की जो ब्रांच मानी जाती है वो। जैसे मैं जहाँ पे रहता था उसको तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो हम लोग के यहाँ थी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल को सबसे ज़्यादा भाव दिया जाता था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जाता था कट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ इतना हाई जाता था कि लोग बाहर चले आते थे करने के लिए, क्योंकि उनको अपने स्टेट में अपनी जगह पे नहीं मिलता था। मेरे लोकेलिटी में मेरा मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नहीं मिलता था, इसीलिए लोग अप डाउन करते थे लिटरली 20 किलोमीटर। और जो 20 किलोमीटर अप डाउन कर रहे थे उनमें भी क्या सीन था, उनके नंबर इतने बुरे भी नहीं आए थे। जैसे नॉर्मल कट ऑफ अगर तुम 300 लाओगे तब तुम उसमें काउंट होगे कि तुम्हारा हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर तुम 200-250 भी ले आओ, 250 बुरी नंबर नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता। तो मैं ये तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि एक एक नंबर से यहाँ पे हज़ारों की रैंक का डिफरेंस आ जाता है। अगर तुम 150 से 200 के बीच में देखो ना, और तुम दो मैं क्या बात कर रहा हूँ तुमसे कि तुम 150 से अगर तुम 150 लिटरली 150 से 200 मैंने देखे हुए हैं बंदों के, हम लोगों के मेरे दो तीन दोस्त थे उनके ऐसे अप्रोक्स 162, 182 और 180 कुछ थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तुम तो तुम्हें 10-20 या फिर यहाँ पे 180 वाले में देखोगे तो 5-6 का अंतर है, लेकिन इस 5 के अंतर में लगभग कितने हज़ार 10,000 बंदे आ गए थे इसके बीच में। यहाँ पर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना मेनली यूपी बिहार झारखंड और उड़ीसा यहाँ और थोड़ा बहुत साउथ के स्टेट, यहाँ के जो स्टेट के बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम देते हैं। और बात तुम भी मानोगे कि यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ होते हैं, मेहनती होते हैं। तो जब वो इतनी कम काम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो लिटरली सी सीधी सी बात है वो उसे निकाल के ही मानेंगे, क्योंकि जब वो IAS एग्ज़ाम भी निकाल क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि तुम लोग थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पर, क्योंकि क्या होता है ना लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो बनाया करो मोटिवेशन के लिए, देखो मोटिवेशन कुछ नहीं होता। तो अगर तुम लोगों को पता हो तो चलो मैं तुमको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है ना, दो तरह का होता है, एक इंट्रेंसिक होता एक एक्सट्रेंसिक होता। इंट्रेंसिक बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हमको अपने अंदर से लगती है कि हमें अपने गोल के लिए काम करना है, हमारे अंदर से हमारे लिए फीलिंग आती है कि हमें ये काम करना चाहिए, तब तो वो हमारा हो जाता है ये। लेकिन जब भी एक्सट्रेंसिक की बात आती है तो वो वाला होता है जो हमें मतलब बाहर से हमें कोई ऐसी प्रेरणा मिलती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी ने आप किसी का कोट सुन लिया, किसी ने मोटिवेशनल स्पीच दे दी तो आपने वहाँ से सुन लिया, किसी ने आपको बोल दिया आपको बुरा लग गया तो आपने भाई ये पहाड़ तोड़ दिया। तो इसका जो होते हैं ना एक्सट्रेंसिक होते हैं, इनमें से जिसमें भी आओ उसमें तुम अपने काम पे फोकस रखो। बेसिकली जो भी चीज़ है एट द एंड ऑफ द टाइम, जो भी चीज़ है दुनिया भर की, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो काम। लोग जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर दे दें, जो तुम स्पीच सुन लो, तुम हज़ारों दिन के दिन 24 घंटे तुम सुनते रहो लीड लगा के कान में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम सुन रहे हो लेट के टीवी देखते हुए, तुम बढ़िया एसी में बैठ के तुम लीड लगा के तुम सुन रहे हो, उसके बाद तुम्हें जाके लेट जाना है, सो जाना, नहीं तो बाहर घूमने चले आना। तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनना बंद कर दो, अपने अंदर का गोल ढूंढो कि तुम्हें करनी क्यों है जो चीज़, और करनी है तो मेरे को क्यों करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम क्या सोचते हैं ना अपने आप से पूछते हैं क्यों करनी चाहिए हमें, वाई हमको पता होना चाहिए, हाउ अपने आप पता चल जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो कि कैसे करोगे तुम, जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 महीने हैं एग्ज़ाम को, अभी तो हमारे पास 1 साल पढ़ा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, देखिए मान लो तुम्हारे पास 3 महीने हैं, अब तुम सोचोगे 3 महीने में इतना सारा कैसे कवर होगा, तो जो तुम्हारा वाई है ना वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें करने क्यों है, जब तुम ये पता कर लोगे अपने अंदर से। तो इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात तो यार मैं भी कर दूंगा तुमसे, 15-20 मिनट की वीडियो बना दूंगा इस पर, लेकिन इससे तुम लोगों को कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। तुम्हारी वैल्यू ऐड होगी किससे, पहले अपने लिए गोल ढूंढो, गोल तुम लोगों ने ढूंढ लिया कि तुम्हारा पॉलिटेक्निक का, अब पॉलिटेक्निक का गोल ढूंढने के बाद अपने फ्लोर चार्ट एक तैयार करो कि तुम लोगों को कौन से चीज़ें आते हैं कौन सी नहीं आती हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करो। और कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, तो वहाँ तुम स्टे ट्यून्ड रहना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।